हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत कैजुअली रेडी हो चुकी हूँ और हम मूवी के लिए जा रहे हैं। मूवी आयुष्मान खुराना की है, जो कि अभी नई लेटेस्ट आई है, अंधाधुंध। और आई होप वो मूवी अच्छी हो, उसके प्रोमोज भी अच्छे हैं और आयुष्मान भी वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई होप वो मूवी अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये मेट्रो स्टेशन से आप फैमिलियर होंगे, बिकॉज मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी इस मेट्रो स्टेशन को दिखाया था। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हम मूवी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी ख़त्म हो चुकी है और मूवी कैसी थी, मुझे मूवी कैसी लगी, ये मैं घर आके बताऊंगी। एंड गेस व्हाट, मैंने क्या देखा। एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत बार आई हूँ, बट ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है, तो प्लीज वेट फॉर अ वाइल। आप देख सकते हैं कि यहां पे एक छोटा सा मार्केट है, मैं आपको पूरा दिखाती हूं। एक छोटा सा मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। यस ऑफ कोर्स, मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे हूँ और वहाँ पे कुछ ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैं अपनी सिर्फ नीड की चीज़ ले रही हूँ। आई नो ये रैंडमली मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है, बट स्टिल अगर मेरी नीड की और मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं ज़रूर लूँगी। फ्रेंड्स, इस मार्केट में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है, जंक ज्वेलरी है और कुर्तीज़ हैं बहुत सारी, और बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही चीपेस्ट रेट पे है। वैसे इस मार्केट में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे इस मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बट पर्सनली बहुत ही अच्छा और चीपेस्ट मार्केट मुझे लगा।
सो फाइनली मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ और अब हम घर जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं घर आ चुकी हूँ और इस टाइम बिग बॉस चल रहा है और आई एम अ बिग बॉस फैन, तो बाद में बात करते हैं. हे गाइस व्हाट्स अप. तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे, तो हम गए थे अंधाधुंध मूवी. और अगर आप पूछेंगे मुझे कैसी लगी, तो बस लग गई. आई डोंट नो क्या लगी, क्यों लगी, लगी है बस. और अगर मैं रेटिंग दूं तो मैं उसको 2 out of 5 दूंगी, बिकॉज उसका कंसेप्ट ही मुझे क्लियर नहीं लगा कि वो एंड उसका क्या था. उसका एक किसी भी मूवी का एक स्टोरी होता है, उसका मीन होता है, मुझे मीन नहीं समझ आया. अगर किसी ने भी ये मूवी देखी है और उसे कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आखिरकार ये मूवी क्या चाहती थी और हम क्यों जाएं उस मूवी को देखने के लिए. प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर लिख के बताना कि आखिरकार इस मूवी में क्या बताना चाह रहा था. तो फाइनली आज के पूरे दिन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई कि अचानक से मुझे एक बहुत ही अच्छा सा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ब्लॉग में, कि एक बहुत ही क्यूट सा मार्केट मिला. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा मार्केट था, बट वो इतना अच्छा मार्केट था. उसमें एक्सेसरीज थी, मीन्स जंग ज्वेलरीज थी, और स्लीपर्स था, सैंडल्स थी, और ड्रेसेस थे, सूट्स था. टॉप नहीं थे, मतलब लाइक वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं थी, टॉप नॉर्मल कुर्तीज़ और प्लाजो वगैरह थे. पर्स थे, हैंड क्लच था, और थोड़ी मोड़ी चीज़ें और कुछ खाने पीने के स्टॉल्स थे. और वो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मार्केट था, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. वो जनकपुरी मार्केट के नाम से है आई थिंक. और पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी चीप रेट पे उसमें सामान मिल रहे थे. तो ऑब्वियसली भले ही सडनली हम कहीं भी किसी मार्केट में पहुँचा, एज अ बींग अ गर्ल आई थिंक अगर मैं एक भी चीज़ नहीं लूँ तो मतलब लाइक धिक्कार है. तो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो मुझे चाहिए भी थी, मैंने वहीं कुछ नहीं लिया है, मुझे चाहिए थी थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैं ली हूँ. मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आई. जैसे ये लिप कलर है और ये सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का है. और ट्वेंटी फाइव का है, 25 रुपए का है ये. और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, ये पिंक कलर है, जैसा कि आप देख सकते हो ये पिंक कलर है. और ये ऑरेंज कलर जो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप लिपस्टिक अगर नहीं भी लगाना चाहो, आपको नेचुरल लिप्स चाहिए, तो आप अगर लिप लाइनर अगर आप अपने लिप्स पे लगाओ तो ज़्यादा नेचुरल भी लगता है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है. इसके अलावा मैंने एक कैजुअल सा पिंक कलर का नेल पेंट लिया है, ये था 30 रुपीज़ का.
ये सिर्फ 30 रुपीज़ का था वहाँ पे, उस मार्केट में बार्गेनिंग नहीं थी, और आई थिंक 30 रुपीज़ में ये बहुत ही सही है, और मैंने ये लगा भी रखा है, आई थिंक आपको दिख सकता है, ये हाथ पे बहुत ही क्यूट लग रहा है, कलर बहुत ज़्यादा कैजुअल, अगर आप सूट वगैरह कुछ भी कैसा भी कलर का अगर आप ड्रेस पहनते हैं तो भी ये कलर तो हमेशा के हिसाब से है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैंने एक नेल फाइलर लिया था क्योंकि मेरा नेल फाइलर ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने एक नेल फाइलर लिया। उसके अलावा मैंने बहुत ही ज़्यादा क्यूट चीज़ जो मुझे दिखी थी उस पूरे मार्केट में वो ये थी, ये स्लीपर, ये नॉर्मल जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने ली हैं, और इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद भी नहीं आया था, ज़रूरत भी नहीं थी, और सडनली गए थे तो कोई प्लान भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और मूवी के बारे में प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।